अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जवेरिया बतूल हेयर। ये हम पढ़ रहे हैं जीपी फंड। जीपी फंड एब्रीविएशन है जनरल प्रोविडेंट फंड की, और जीपी फंड जो है हर महीने फिक्स अमाउंट एम्प्लॉय के पैसों में से कटती रहती है, और ये रेट भी डिफरेंट वक्त में डिफरेंट हो सकता है। यानी कुछ अरसे में जीपी फंड के अमाउंट बढ़ा देते हैं कटिंग करने की। सेक्शन 19 में 1974 पंजाब सिविल सर्वेंट एक्ट में उसमें यह बताया गया है कि इससे पहले कि 3 महीने एक्सपायर हो जाएँ, 3 महीने कौन से फाइनेंशियल ईयर के, फाइनेंशियल ईयर जनवरी से शुरू नहीं होता, ये 1 जुलाई से शुरू होता है। यानी 1 जुलाई, अगस्त और सितंबर में अकाउंट ऑफिसर जो है वो ऐसे कर लेते थे कि हर एक का जीपी फंड को मेंटेन करते थे। उसमें वो क्या करते थे कि उसके सारे, क्योंकि इंटरेस्ट भी चेंज होता रहता है, उसके पैसे कितने बन गए हैं और इंटरेस्ट लगा के उस साल का हिसाब किताब कर लिया। लेकिन अब क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया है तो ऑटोमेटिकली वो फार्मूला लगाते हैं और ये हो जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ये पैसे जीपी फंड के उसको आखिर में पेंशन में मिलते हैं, तो ये गवर्नमेंट लाजमी कट करती है और फिर ये लाजमी दे देती है। इसके अंदर क्या होगा कि आपकी जो है पे स्लिप है उसके ऊपर स्टेटमेंट उसके ऊपर नज़र आ रही होती है, कितने साल हो गए हैं, कितने पैसे हो गए हैं, कितने इसने एडवांस लिए हैं। आप इससे एडवांस भी ले सकते हैं। एडवांस जो है आप जो है सारी अमाउंट नहीं ले सकते, थोड़ी अमाउंट ले सकते हैं और जीपी फंड की। और वो अगर आपकी उम्र जो है 55 साल सॉरी हो गई है तो उसके बाद आपको अगर लेंगे तो आपको वापस जमा नहीं कराने, लेकिन 55 साल से कम उम्र है तो फिर आपको ये पैसे वापस कराने हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है वो किस्तों में दोबारा वापस हो जाता है, ये उन्होंने बताया था, ठीक है। आगे हम इसके बारे में मज़ीद डिटेल भी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो है ये अच्छा अब आ गया। अच्छा और इसको पढ़ भी लेते हैं। तो यही उन्होंने बताया, एक्सपायरी डेट ऑफ थर्ड मंथ अकाउंट ऑफिसर उसको मेंटेन करता है और फिर जो है फर्निश करता है सिविल सर्विस को कि जिस जिसने सब्सक्राइब किया हुआ है जिस जिसने, तो उसको ये पैसे मिलेंगे। और लेकिन अब क्योंकि आ गया है अकाउंट ऑफिसर जो है ना वो नहीं करता, बल्कि क्या होता है कि आपकी पे स्लिप में ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है। आगे आ गया BF और ग्रुप इंश्योरेंस। आप दो और पैसे भी होते हैं, वो हैं बेनोमिनल फंड, वो भी हर महीने कट होते हैं, ये भी सारी कम्यूनिटी की हेल्प के लिए है। और ग्रुप इंश्योरेंस यानी जैसे आमतौर पर हम इंश्योरेंस कराते हैं, सेम उसी तरह की ग्रुप इंश्योरेंस यानी पूरे ग्रुप ने इंश्योरेंस कराई हुई है। सेक्शन 20 ऑफ पंजाब सिविल सर्वेंट, पहले 19 देखा था, 20 देखा है 1974 में। सिविल सर्वेंट और की फैमिली को बेनिफिट दिए जाएंगे। उस वक्त ये वेस्ट पाकिस्तान था, इसलिए गवर्नमेंट सर्वेंट बेनोवोलेंट फंड ऑर्डिनेंस 1966 में हम वेस्ट पाकिस्तान थे, ऑर्डिनेंस जारी हुआ था इसका बेनोवोलेंट फंड का, तो ये तब का उसी तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। और ये जो है किसके लिए, सारा वेलफेयर के लिए, और इसलिए ये सिर्फ फलाह बहबूद के लिए लगेगा। और ये अब इसकी बिल्डिंग जो है अलफलाह बिल्डिंग है, उसके फर्स्ट और ग्राउंड फ्लोर में ये है। 1966 में ऑर्डिनेंस आया था और वहाँ पर ये सारा काम करते हैं। BF भी हमारा कट होता रहता है और उसके बाद हमें मुख्तलिफ़ तरीके से ये मिलता है। इसमें क्या मिलता है, सबसे पहले जो है मैरिज ग्रांट है। मैरिज ग्रांट जो है अगर आपकी सर्विस जो है इस तरह से है के रिटायरमेंट के बाद भी 15 साल मिल सकती है, और वाइल इन सर्विस एंड फॉर 15 ईयर आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद 15 साल तक भी बंदा ले सकता है और इन सर्विस भी ले सकता है। दो बेटियों की शादी पे पैसे मिलेंगे, 16 से 22 के लिए 80,000 रुपये मिलते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपको निकाह नामा जमा कराना है, और अगर शादी हुई है तो उसके 3 साल के अंदर अंदर करना है। तो बेसिकली अप्लाई कैसे करते हैं, 275 दिन में अप्लाई करना शुरू कर दें, क्योंकि एक महीना क्योंकि जो है लग जाता है उसके, एक साल के अंदर जो आप अप्लाई करते हैं तो डेट ख़त्म होने से पहले 275 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई कर देना है, क्योंकि एक जो है महीना प्रोसेस में भी चलता है। तो फिर आप इसको अप्लाई कर लेते हैं, तो इसके बाद बच्चों को शादी पे मिलेगा आपको 80,000 रुपये, ठीक है। फिर फ्यूनरल ग्रांट है, जो भी जनाजे की ग्रांट है वो अपनी भी मिलती है, पेरेंट्स की कोई भी डिपेंडेंट हैं उनके भी मिलती है, 3 साल के अंदर अंदर अप्लाई करना है, वो भी 275 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई कर देना है, और 35,000 मिलेगी डेथ के ऊपर। एजुकेशनल स्कॉलरशिप जो है वो डिफरेंट हैं, वो मैट्रिक के बाद से मिलते हैं और उसमें 60% से अबव मार्क्स हो तो मिलेंगे। और इसके अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए या BS 4 ईयर के लिए 30,000 फिक्स है। अच्छा, इसके अलावा 16 साल एजुकेशन पे ये मिलता है, और अगर दोनों सरकारी मुलाजिम हैं तो क्या होगा। हाँ, ये फ्यूनरल ग्रांट मैंने आपको बताया, ये भी आप देख लेना, स्लाइड मैंने चेंज नहीं की थी,
तो ये हो गया। अब एजुकेशनल ग्रांट आ गया, तो ये बच्चों को मिलेगी, दो बच्चों को कम से कम मिलेगी, लेकिन अगर कोई एबनॉर्मलिटी है बच्चे में, स्पेशल बच्चे हैं, तो उनके दो के बजाय तीन को मिलेगी। अच्छा, और डबल डबल ले सकते हैं, मदर को भी मिल सकते हैं दो बच्चों के लिए, फादर को भी दो बच्चों के लिए मिल सकता है, और 16 साल की एजुकेशन तक मिलेगा, आगे 18 MPhil PhD तक के लिए नहीं मिलेगा। और अगर ये तीन बच्चा है मेडिकल ग्राउंड पे उसके हुए हैं, तो अभी तीन बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगा। और ये जो है, अगर इस मेरिट स्कॉलरशिप BC में आता है, अगर बच्चे के 90% से ज़्यादा हैं, तो 50,000 रुपये हर बच्चे के, हर पेरेंट के हिसाब से मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा इन केस ऑफ अगर डेथ हो गई है तो भी उनको मिलेगा, ये BF जो, सॉरी, ये जो है एजुकेशनल स्कॉलरशिप जो है, ये डेथ हो गई है तब भी मिलेगा। फेयरवेल ग्रांट भी मिलती है, फेयरवेल ग्रांट कहते हैं जब आप रिटायर होते हो तो मिलती है, एक दफ़ा सुपर एनुलेशन में, या आपकी इनवैलिड रिटायरमेंट हो या तब भी आपको पैसे मिलेंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि फोत हो गया है, तो अगर वो क्वालिफाई करता है, फैमिलीज को भी मिल जाएगी, कि अगर वो सही हुआ रिटायर के बाद, रिटायर बाद में हुआ, तो उनको भी मिलेगी। अच्छा, इसके अलावा मेड विद इन द थर्ड ईयर, 3 साल आपके सुपर एनुलेशन है, तो उसमें आपने अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप भूल गए हैं या तो आपको नहीं मिलेगी। जब भी आपकी रिटायरमेंट हुई है, उसके 3 साल के अंदर अंदर आप ले सकते हैं। अच्छा, 4 मंथ सैलरी, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट डाइज, अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट फोत हो गया, तो 4 महीने की तनख्वाह उनको मुफ्त में वैसे ही मिलेगी, 4 मंथ की सैलरी मिलती रहेगी, लास्ट पे ड्रॉन प्लस अलाउंसेज वो मिलते रहेंगे। अभी पेंशन वगैरह जारी नहीं हुई, तो 4 महीने वैसे ही तनख्वाह मिलेगी डिसीज फैमिली को। फिर मंथली ग्रांट कितनी मिलेगी, ये फिक्स अमाउंट में हर ग्रेड के साथ फिक्स है, ये पर मंथ उनको मिलती चली जाएगी। तो ऑन द डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट मंथली ग्रांट मिलती है गजटेड नॉन गजटेड दोनों को। गजटेड होते हैं 16 से ऊपर, और नीचे वाले नॉन गजटेड होते हैं। और 16-17 को 65,000, 18-19 को 11,500 रुपये, याद कर लेने अपने वाले 11,500 रुपये, और ये मिलेंगे पर मंथ। और 20वें को 15,500, और नॉन गजटेड के लिए 3,350, ऐसे हिसाब है। फिर मंथली ग्रांट जो है उसके बारे में बताया हुआ है, अगर कोई फोत हो गया तो उसकी विडोअर को है वो मिलेगी मंथली ग्रांट, लेकिन जब तक वो शादी ना कर ले, और अगर वन विडो है तो उसको मिलेगी, ज़्यादा है तो उसको मिलेगी। और अगर इन केस ऑफ विडोअर द ग्रांट शैल बी पीरियड ऑफ 15 ईयर प्रोवाइडेड डज नॉट री मैरी, 15 साल के तक उसने शादी नहीं की तो, और एंड डज नॉट हैव एन अदर वाइफ, अगर एक मर्द है और उसकी बीवी फोत हो गई है, तो फिर 15 साल तक उसको मिलेगी, बशर्ते कि उसने दूसरी शादी नहीं की। ठीक है, द गवर्नमेंट सर्वेंट इज़ नॉट सर्वाइव्ड बाय अ विडो, द मंथली ग्रांट शैल बी, गवर्नमेंट सर्वेंट नॉट सर्वाइव्ड बाय विडो, देन द मंथली ग्रांट शैल बी सेंक्शन इन द फेवर ऑफ फैमिली। अच्छा, अगर वो जो है और शादी कर लेती है, तो उसके जो बाकी बच्चे हैं, मेंबर्स हैं, उनको मिलना शुरू हो जाती है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, और चिल्ड्रन फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर उनको 15 साल तक मिलती रहेगी बच्चों को, जहाँ तक के छोटा बच्चा जो है वो 21 साल तक ना पहुँच जाए, 15 साल उन्हें मिलती ही रहेगी। और या फिर दो बात अली आ गई, या उन्हें 15 साल मिलेगी हमें फैमिली पेंशन बच्चे हैं या अनमेरिड, या फिर छोटा बच्चा 21 साल का पहुंच गया। इन केस ऑफ फीमेल चिल्ड्रन ऑफ 15 ईयर और टिल हर मैरिज, अगर लड़की है तो उसको भी 15 साल तक मिलेगी या शादी तक मिलेगी, उसकी शादी लेट हो गया तो मिलती रहेगी, जो भी सूरत हाल है। पेरेंट्स फॉर पीरियड ऑफ 15 ईयर इन केस डिसीज हैज़ नो चिल्ड्रन, अगर बच्चे नहीं हैं तो पेरेंट्स को मिलेगी, वरना पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं है। मंथली ग्रांट क्या है कि गवर्नमेंट सर्वेंट के अगर इन वैलिडेशन ड्यूरिंग सर्विस ही शैल बी इंटाइटल मंथली ग्रांट ऑफ 15 साल, 15 साल तक के लिए उसको ग्रांट मिलेगी, मंथली ग्रांट उसको 15 साल के लिए मिलेगी। ठीक है, अगर इनवैलिड सर्विस है तब भी, इनवैलिड मैंने आपको बताया था जो वक्त से पहले जिसने ले लिया वो हो गया। ठीक है, अच्छा, या मेडिकल ग्राउंड से, प्रोवाइडेड दैट ही शी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड इनवैलिड मेडिकल बोर्ड से, यानी कि अगर उसको कैटेगरी 1 में बीमार होकर उसने छोड़ी है तो फिर उसको मिलती रहेगी बोर्ड आफ्टर इंक्वायरी सेटिस्फाइड, इंक्वायरी सेटिस्फाइड हो गई है तो। अच्छा, इफ़ अगर फोत हो गया तो 15 साल के अंदर अंदर डेट ऑफ रिटायरमेंट के बाद उसकी फैमिली को मिलती रहेगी, अगर वो उसने रिटायरमेंट अप्लाई की और उसकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद भी उसकी फैमिली को मिलती रहेगी। मैं थोड़ा सा समराइज़ पीछे से करती जाती हूँ क्योंकि ज़रा तेज़ी हो गया। देखिए, एक तो हमें मिल रही थी इकट्ठे पैसे, ठीक है, जो आपके जमा हुए होते हैं उसका 35% मिल जाता है। फिर एक हमें ये मिल रही है ये इसमें
जीपी फंड जो हर महीने हमारा कटता रहता है और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है और वो फिर हमें मिलता रहता है, ठीक है। फिर एक हो गया बेनौलत फंड, इसमें हर तरह के फवायद मिलेंगे, मतलब बच्चों के वज़ाइफ, फ्यूनरल डेथ जो है उसके ऊपर पैसे, पेरेंट्स की डेथ हो गई तब पैसे, और शादी हो गई या बच्चों की दो तब मिलेंगे, और अगर फ़र्ज़ किया फोत हो गया कोई बंदा तो इकट्ठे पैसे बीवी को, और अगर बीवी फोत हो गई तो इकट्ठे पैसे मियाँ को, बच्चों को, अगर बीवी तो और शादी कर लेती है तो बच्चों को जब तक 21 साल उम्र नहीं हो जाती या 15 साल तक मिलती रहेगी, दोनों में से एक बात हो गई, फिर शादी पे वो मिलती रहेगी। और अप्लाई करने का तरीका है, ख़ास दिन है उसमें करें, क्योंकि 3 साल में करना है और आखिरी 1 साल में आप कर रहे हैं तो कम अज़ कम 275 दिन का गैप होना चाहिए लास्ट डेट से, ठीक है। और डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट जो है अगर हो गई है तो फिनरल ग्रांट उसे मिलेगी, उसके कोई भी उसका डिपेंडेंट है फोर्थ वाइफ उसमें मिलेगी, एजुकेशनल स्कॉलरशिप हमने पढ़ ली है, फेयरवेल ग्रांट यानी एक ही बार मिलती है जो है जब आप जा रहे होते हैं तो गवर्नमेंट आपको फेयरवेल ग्रांट देती है, ठीक है। तो फेयरवेल ग्रांट कितनी थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ आगे जाके, यहाँ पर मैंने लिखी थी, हाँ जी, तो ये जो है आपको मिल जाती है। अच्छा, ये अगर फोत हो गया तो उसको भी मिलती हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर फोत हो गया है और तब उसको भी उसने अभी नहीं ली थी तो भी उसको मिलेगी, ठीक है। तो फिर आगे आ गई 4 मंथली सैलरी, अगर कोई फोत हो जाता है 4 महीनों से तनख्वाह मिलती रहती है, ठीक है। अच्छा, मंथली ग्रांट ये फिक्स अमाउंट है, हर एक को पर मंथ मिलती रहती है, हर अफसर की हमारी आप याद कर लेनी है 18 11,500, ठीक है, 16 17 की 6,500, हमारी 11,500, 20 सेवा 15,000, और छोटे ग्रेड्स जो है 1 से 10 तक 3,000, फिर 3,500, 3,500, 6,500, 11,500 और 15,500, ये तरतीब है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मंथली ग्रांट हो गई, मंथली ग्रांट के बारे में बता रहे हैं कि अगर उसने शादी नहीं की तो मिलती रहेगी, अगर शादी कर लिया तो फिर बच्चों को मिलती है, 15 साल का बच्चा हो 15 साल तक मिलेगी बच्चों को, और अगर शादी हो गई है सारे बच्चों की तो फिर नहीं मिलेगी, लेकिन अगर छोटा बच्चा 21 साल का हो गया तब तक मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये सारी बातें थी, आगे हो गया मंथली ग्रांट। गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ऐसा है जो बीमार हो गया है, उसने छोड़ा है इनवैलिडेशन, उसको भी क्या मिलेगी, 15 साल तक मिलती रहेगी, लेकिन उसने डिक्लेयर हुआ है कैटेगरी 1 में। फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो होती है ये भी सिर्फ उनकी है, दौरान सर्विस जो वफात पा गई हैं 2017 में ये आया था, और ये जो है ये क्या है आपको मिलता है कितना, ये फिक्स अमाउंट, अगर कोई डेथ हो गई अचानक तो इतने सारे पैसे उसको मिलेंगे, 34 लाख रुपए हैं, 34 लाख, इतनी बड़ी अमाउंट फैमिली को मिलेगी फाइनेंशियल असिस्टेंस की। ग्रुप इंश्योरेंस यानी सब लोगों ने मिलकर इंश्योरेंस की थी, और ये पाकिस्तान पोस्ट से बेसिकली इन्होंने की थी, पोस्टल सर्विस वालों के साथ इन्होंने एक मुआहदा किया और ग्रुप इंश्योरेंस की, तमाम लोगों की एक बंदे की इंश्योरेंस जैसे होती है सेम वैसे इंश्योरेंस है, वो भी 19वें ग्रेड की 10 लाख रुपए, 10 लाख यहाँ हो गए और 34 लाख यहाँ हो गए, तो ये हिसाब हो गया ग्रुप इंश्योरेंस का। तो ये 2020 में ये शुरू हुई है, अब ये केस किया हुआ है, कोर्ट में गए हुए हैं, नोटिफिकेशन किया है, बलोचिस्तान ने तो वैसे ही ये दे दिया है जो रिटायर हो उसको भी मिलती है, लेकिन अब कोर्ट में केस गए हुए हैं और वो उन्होंने जाके कहा है कि हमें ना सुप्रीम कोर्ट में कि हमें ना नहीं हमें इन्होंने कोर्ट में केस किया था हमारे लोगों ने कि हमें ना दें पैसे रिटायरमेंट पे, क्योंकि हमारे पैसे जमा होते हैं क्योंकि सिर्फ डेथ पे दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे हक में किया, तो एजी ऑफिस वाले सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए गए हैं, अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, ठीक है। ये 2020 से ये हो रहा है ना सिलसिला। चले जी, ये सारा आपका था ग्रुप इंश्योरेंस, मेरे ख्याल में ये लास्ट ही था, हाँ जी ये लास्ट है। तो ये ग्रुप इंश्योरेंस है, मैं फिर से बता दूँ, ग्रुप इंश्योरेंस हम सब ने की हुई है, और ये पाकिस्तान पोस्ट से या पोस्टल सर्विस वालों के साथ इन्होंने मुआहदा किया हुआ है और वो अब चले गए हैं, उन्होंने कहा कि हम इसलिए नहीं देते क्योंकि ये तय ही यही हुआ था कि कोई डेथ होगी तो होगा, क्योंकि इन्होंने उस हिसाब से पेमेंट ही नहीं की कि रिटायरमेंट पे भी देंगे, लेकिन बहरहाल ये पैसे तो वो जमा कर रहे हैं ना, तो अब ये इसमें शायद रूल्स तब्दील हों। और ये होगी फाइनेंशियल असिस्टेंस, एक ही दफ़ा बंदे को इकट्ठे पैसे मिलते हैं जो फौत हो जाए। मंथली ग्रांट जो पर मंथ मिलती है वो, और वो किस किस सूरत में मिलती है, उम्र के पीछे भी मिलती है और औरत के पीछे भी, ये सारी पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे, 4 महीने की सैलरी भी उसी को मिलेगी जो फौत हो गया, उसके घर वालों को। फेयरवेल ग्रांट जो जाने वाले हैं जाने पे फेयरवेल जो है वो मिलती है, इसके पैसे मुझे याद नहीं है, वो पैसे आपने फिर चेक कर लेने फेयरवेल ग्रांट के। अल्लाह हाफिज़।